सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं माई स्मार्ट ट्रिक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। रॉयल इनफील्ड एक ऐसी बाइक जिसके सभी दीवाने हैं और ये दीवानगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्या वजह है कि रॉयल इनफील्ड की दीवानगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय ऑटो बाजार में रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल काफ़ी पॉपुलर है और इसके मार्केट शेयर में भी खूब ग्रोथ हो रही है। बीते 17 वर्षों में ब्रांड ने जबरदस्त उछाल मारा है। आखिर ऐसा क्या है कि रॉयल इनफील्ड बाइक को भारत में खूब पसंद किया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों को बताएंगे जिससे रॉयल इनफील्ड की पॉपुलरिटी बढ़ती आ रही है। रॉयल इनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी टू व्हीलर ब्रांड है, यहाँ तक कि हार्ले डेविडसन से भी पुरानी ब्रांड है। अपने यूनिक फीचर्स, विंटेज लुक वाली डिज़ाइन, जबरदस्त स्टाइलिंग के लिए यह एक यूनिक ब्रांड के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी है। रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल पहले के मुकाबले अब ज़्यादा विश्वसनीय है। अब सभी रॉयल इनफील्ड बाइक्स को चेन्नई स्थित वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में तैयार किया जाता है। इसमें एडवांस रोबोटिक्स का भी सहारा लिया जाता है। क्लासिक रेंज बाइक में 24 महीने या 24,000 किलोमीटर की वारंटी दी जाती है, जो कि क्वालिटी में सुधार का एक अहम फैक्टर है। नए रॉयल इनफील्ड बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट, डिस्क ब्रेक आदि मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। ऐसे में इनको राइड करना पुरानी बाइक के मुकाबले ज़्यादा आसान है। पुराने मॉडल में गियर लीवर दाहिने तरफ होता था और इसे अब बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। इसने भी कई ग्राहकों को आकर्षित किया है। देखा जाए तो रॉयल इनफील्ड की बाइक थोड़ी महंगी रहती है और देश की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और ऐसे में युवाओं की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ रही है। पहले सीमित पैसों के चलते अफोर्डेबल बाइक खरीदने को सोचने वाले लोग भी आज रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने से नहीं कतराते हैं। खर्च करने की क्षमता का यह विकास भी और रॉयल इनफील्ड बाइक की तरक्की की कई वजहों में से एक है। रॉयल इनफील्ड समय समय पर नए प्रोडक्ट बाजारों में लाती रहती है। मौजूदा लाइनअप में कई ऐसे बाइक्स हैं जो कि शोरूम में विजिट करने वाले लोगों को आकर्षित करती है। वे इनको खरीदें ही ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी शोरूम में नए प्रोडक्ट होने के चलते लोगों के पास ऑप्शन बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने कई नए सेगमेंट में एंट्री की है। इसने अपनी पहली अफोर्डेबल कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT को भी भारत में लॉन्च किया है। बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक कहा जा सकता है। इसके बाद रॉयल इनफील्ड ने हिमालयन लॉन्च की, जो कि भारत की सबसे अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक बनी। इस इनोवेशन को कई लोगों ने पसंद किया। रॉयल इनफील्ड खुद को एक अलग ही लेवल पर ले जा रही है। यह पहली भारतीय कंपनी होगी जो कि पैरेलल ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल को लॉन्च करेगी। इससे कंपनी बाजारों में खुद को एडवांस बना रही है। इस साल के आखिरी तक कंपनी 650cc के पैरेलल ट्विन इंजन से लैस इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT को लॉन्च करेगी। यह बाइक भारत में सबसे अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर प्रोडक्ट होगा, जो कि प्रीमियम बाइक के शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। रॉयल इनफील्ड ने एक्टिवली देश भर के कई शहरों में इवेंट ऑर्गेनाइज करने और पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, जिससे कि कस्टमर्स का एंगेजमेंट बढ़ रहा है। रॉयल इनफील्ड ने अपने सेल नेटवर्क को काफ़ी मजबूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रांड ने 350 से भी ज़्यादा शहरों में तकरीबन 600 डीलरशिप खोले हैं। इससे भी सेल बूस्ट में काफ़ी मदद मिली है। रॉयल इनफील्ड की ही बाइक्स को लोग ज़्यादातर कस्टमाइज करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कंपनी खुद भी फैक्ट्री से बने कस्टम मॉडल निकालती है, ताकि कस्टमाइजेशन को बढ़ावा मिले। कंपनी ने कई मॉडिफाइंग कंपनी के साथ हाथ भी मिलाया है। कस्टमाइजेशन को लेकर भारत में इस हद तक कोई दूसरी कंपनी नहीं दिखती है। यह भी रॉयल इनफील्ड को देश भर में काफ़ी पॉपुलर बनाया है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।